या देखो, इंटीग्रेशन में कुछ टेक्निक लगा के जो है हम क्वेश्चन को बहुत इजी कर लेते हैं, हालांकि बहुत डिफिकल्ट महसूस होता है लोगों को, मगर ये बहुत इजी है। बस फर्क क्या है कि आपको थोड़ा सा जुगाड़ लगाना है और उसको क्वेश्चन को तोड़ लेना है, इजी करना है। जैसे ये क्वेश्चन है, आपके क्वेश्चन दिया हुआ है सेक स्क्वायर एक्स अपॉन कॉसेक स्क्वायर एक्स डीएक्स, इसको क्या करा जाए? अगर हम इस भाई ऊपर वाला का ही फॉर्मूला है, नीचे वाले फॉर्मूला है कि नहीं, तो हम क्या जुगाड़ ना, बिल्कुल ना करना है ना, हम इसको तोड़ेंगे। तो पहले जो है इन भाई साहब की हद नहीं लेंगे, पहले हम इसको ट्रिग्नोमेट्रिकल सिस्टम से, मैथमेटिकल सिस्टम से, जो अभी मान लो इसके अलावा कुछ और होता, अभी अपॉन में एक्स होता, एक्स रूट में होता, तो हम उसको तोड़ के अलग अलग लिख लेंगे। तो भैया इसको देखो कैसे करेंगे, जैसे ये है, तो अब उससे पहले एक चीज समझ लिया, जैसे मान लो एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर और एक्स अपॉन रूट में एक्स, ऐसा है तो इसको जो है एक्स पावर 1/2 ऐसे कर सकते हैं, है ना, और इसको बारी बारी से अलग अलग लिखेंगे। तो ये x3 है और ऊपर यही तो होता है भाई, अगर इसको लिखा जाए तो कुछ ऐसा लिखा जाएगा 1/2 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1/2 ऐसे, ठीक। फिर क्या होता है भाई, डिवीजन में पावर सब्ट्रैक्ट होती है, यही कुछ कह रहा हूं। तो इसको इस तरीके की जितना भी इंटीग्रेशन है कोशिश करिए कि आप उसको तोड़ लीजिए, ठीक है ना। फिर इसके बाद इंटीग्रल जो है यूज करना है, इंटीग्रेशन में हम लोग को जाना है, पहले जो इंटीग्रेंट होता है उनको तोड़ना है, ठीक है ना। तो इसको तोड़ लो यार, देखो देखो कैसे तोड़ेंगे। तो ये क्या हो गया, इसको 1/cos² लिख सकते हैं, ठीक, इसको 1/sin लिख सकते हैं, देखो अभी कितने झटके में होता है, इसको लिखते हैं 1/sin² उल्टा लिखेंगे, sin² 1 dx, ठीक, इसको लिखना ना भूलना। अब उसके बाद क्या हुआ, फिर इसको देखो, इसको अगर देखो तो ये एक्चुअल में tan² x हो गया dx। फिर क्या हुआ, अब tan² x हो गया, तो tan² x जो है, टन बदल दिया, टन थोड़ी सी लग रही, तो tan² x, अब भैया tan² x में फिर समस्या, सीधे फॉर्मूला है क्या, और देखो ये हम क्या करेंगे, इसको ले जाएंगे sec² x, है ना, -1 dx, फिर इसको बारी बारी से अलग अलग कर लेंगे, प्लस में माइनस में ऐसे हो तो उसको बारी बारी से अलग, कैसे, sec² x dx, ठीक, और माइनस फिर क्या है ये 1 dx, ऐसा कुछ। अब इसको लिख लो, तो इसका क्या होता है tan, अब देखो इसको यूज कर रहा है अभी तक, यहां पर यहां से यहां तक हमने इन भाई साहब की कोई हेल्प नहीं की, ठीक, अब इसको यूज कर रहे हैं। तो भैया ये हो गया tan θ, अरे मतलब x, है ना, माइनस इसका होता है x, हो गया। अच्छा देखो तो एक चीज और ध्यान रखना यार, यहां पर c लिखना ना भूलना, है ना, जब आप फाइनल कर रहे होंगे, यानी इंटीग्रेशन में जब हम इंटीग्रेट करेंगे, तो ध्यान रखना कि ये लिखने के बाद मतलब जो फाइनल आंसर होगा उसमें सी ना भूलना यार, ये बहुत ज्यादा जरूरी है, इसको भूलोगे नंबर कट जाएंगे, ठीक। इससे सिंपल करेंगे ये आंसर खत्म, चाहे कोई क्वेश्चन हो, तो घबराने जरूरत नहीं है, सिंपल जो है क्वेश्चन होते हैं, बस ये ध्यान रखना है तोड़ना है, जुगाड़ ढूंढना है कि कौन सी जुगाड़ मिल जाए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।